आपको वो ऊपर मेरे पीछे एक टिब्बा नजर आ रहा होगा, ऊपर आपको लाइनें नजर आ रही हैं, यही सिट्रस का बाग है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यही रहता है सर। ये राज है जनाब, ये देखिए यहाँ पे ड्रिप है, अभी भी इसके अंदर सेबा है, वतर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो फ़हील व्लॉग्स। कैसे हैं दोस्तों आप, ठीक ठाक हैं? आज आपको फिर से थल के एक ड्रिप इरिगेशन पे पले हुए बाग में लेके आया हूँ। मैं इधर से गुज़र रहा था तो सोचा आपके साथ ये एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँ। अच्छा, ये वीडियोस अक्सर वो लोग ज़रूर देखिएगा जो जिनको अक्सर इबहाम होता है कि कोई भी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो है वो या ड्रिप सिस्टम 2-3 साल तक तो पौधों का पानी जो है, पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो इस काबिल नहीं रहते कि पौधों के पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा बाग जो मेरे पीछे आपको सोलर की प्लेटें भी नज़र आ रही हैं, और एक बाग दिखाता हूँ जो टिब्बे के ऊपर है। अभी मैं आपको स्टार्ट से दिखाऊंगा कि ये किस तरह की एक चढ़ाई है और चढ़ाई के ऊपर ये बाग है। ये भी आप जैसे और मेरे जैसे एक आम पाकिस्तानी शहरी, एक ज़िम्मेदार का ही बाग है जिस पे जस उसने मेहनत की है और उसके मेहनत का अल्लाह ताला उसको फल दे रहा है। ज़मीन बिल्कुल रेत है, रेत का टिब्बा है, देखें ये ऊपर चढ़ाई चढ़ रही है। आपको सिट्रस का बाग दिखाऊंगा, इसकी उम्र पहले मैं बता दूं, 2018 में ये पौधे लगे थे शुरू में, जो आपका सीज़न होता है फरवरी मार्च वाला। तो अभी इनको तकरीबन 3.5 साल हुए हैं इस बाग को, तो 3.5 साल में देखें, देखते हैं 3.5 साल में ये बाग कहाँ तक पहुँचा है। जी सर, ये इस पर सोलर का सिस्टम लगा हुआ है, जाफर एग्रो सर्विसेज ने सिस्टम लगाया हुआ है सोलर और ड्रिप के साथ। अब आप देखें, ये मैं ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ रहा हूँ, आप पौधों की हेल्थ देखें। इस वक्त जो महीना चल रहा है वो अक्टूबर का है, अभी बस गर्मी जा रही है, लेकिन ये याद रखें कि ये जो ये जितने भी पौधे हैं ये गर्मी का तीसरा सीज़न, यानी कि तीसरी दफ़ा जून जुलाई की गर्मी लेके आगे चले हैं। ये देखें, इस पौधे को कोई मसला है जो कि ये नहीं चल सका, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम है। आपको ज़्यादातर यहाँ बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं और कुछ छोटे नज़र आ रहे हैं। अब छोटे पौधे कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो मोर्टेलिटी का शिकार हो गए या इनकी ग्रोथ नहीं हो सकी है, ये मर गए, इनकी जगह दूसरे नए लगे। बाकी ये बड़े प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, इनकी एज 3-3.5 साल है। अब आप देखें कि इस टिब्बे के पहाड़ के ऊपर बीच में आपको सारा जो है ना यहाँ पे गंद नज़र आ रहा है, लेकिन पौधा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेहतमंद है, बल्कि इसने फ्रूटिंग भी ली हुई है। ये देखें, ये देखें, अब इसका राज क्या है? राज है जनाब, ये देखें यहाँ पे ड्रिप है। अगर आप देखेंगे इस रेत को हटा के तो ये देखें जनाब, ये देख रहे हैं सर, ये देखें, अभी भी इसके अंदर सेबा है, वतर है। तो यही ड्रिप सिस्टम की खूबसूरती है, ड्रिप सिस्टम का थीम ही यही है कि पौधों का जो जो रूट जोन है वो वेटेड होना चाहिए। ये देखें आप, माशाल्लाह इसने कितना फल उठाया हुआ है, ये देखें, ये 3.5 साल का पौधा है, ये 3.5 साल के पौधे ने फल उठाया हुआ है, ये देख लें आप, देखें नीचे, ये देखें ड्रिपर उसकी रूट जोन के अंदर पानी दे रहे हैं और उसकी जड़ ठंडी है। फिर मैं आपको और दिखाता हूँ, और ये सारा सोलर सिस्टम पे चल रहा है। देखें, अब ये रेत के मैदान में यहाँ पे आपको घास नज़र आ रही है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है कि पानी पहुँचा दें आप ज़मीन में, अल्लाह ताला ने न्यूट्रिएंट रखे हैं। हाँ, वो कम ज़्यादा हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन देखें माशाल्लाह, आप ग्रोथ देख रहे हैं पौधों की, ये देखें इस पौधे की ग्रोथ देखें, इस पौधे की ग्रोथ देखें, और ये जा रहा है, ये एक सिलसिला जा रहा है। ये देखें, मैं मज़ीद ऊपर चढ़ रहा हूँ,
ये देखें, ये देखें, ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। तो ये भी 3.5 साल का है सिर्फ पौधा। इसमें देखें आम भी लगाया हुआ है जमींदार ने, सिर्फ 3.5 साल का पौधा है। और ऐसे कई बाग मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं मजीद वीडियोस भी बनाऊंगा 5 साल के वाले बाग पर भी। आप देखें कि इसकी ये जो ग्रोथ हुई है, ये इसी सिस्टम के जरिए, खाद के जरिए, इसी रेत, यही रेत है, यही यही रेत है, ये यही रेत है सर, ये यही रेत है, सिर्फ पानी। अल्लाह ताला ने पानी को ऐसा नेमत, ऐसी नेमत बनाया कि जहाँ ये पड़ जाए तो ये उसकी काया पलट देता है उस चीज़ की। जी सर, देखा आपने, ये देखें, ये मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये देखें, इस तरीके से ये सारा ये ड्रिप सिस्टम पर लगा हुआ है। और पानी आपने पहुंचा दिया, इस तरह की रेतली ज़मीन को आपने आबाद कर लिया। प्लांट की हाइट देखें, प्लांट की कैनोपी को देखें, प्लांट की कैनोपी। अब इस जगह पर खुला पानी तो नहीं लग सकता, ये बिल्कुल हाइट ऊपर जा रही है, ये टिब्बा है, यहाँ पे कोई खुले पानी का तस्वर नहीं है। और खुला पानी आप लगाएंगे भी सही तो सिर्फ आप जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि पानी जो है, आप पैसा जो है वो डुबो रहे हो, तो वो पैसा डूब रहा होगा आपका। पानी जो है वो रेत के अंदर, वैसे ही रेत में बहुत ज़्यादा पानी लगता है क्योंकि आपकी जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो हाई होता है, यानी कि पानी ज़मीन में ज़्यादा जाता है, फैलता कम है। और इस तरह के टिब्बों में जो है वो ऊपर हाइट पे पानी पहुँचाना तो फिर बहुत ही मुश्किल है। तो देखें, ज़िमींदार को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने स्टेप लिया, अपने इस गैर आबाद रकबे को आबाद किया। करोड़ों अरबों टिब्बे ऐसे पड़े होंगे थल में, चोलिस्तान में, रोही में, कहाँ कहाँ, लेकिन ये टिब्बा उन टिब्बों से बेहतर है कि ये आबाद हो गया, ये जो है सदका जारिया भी बना अपने मालिक जिसको अल्लाह ताला ने ये ज़मीन दी है, उसके लिए भी, उसको भी कुछ रिटर्न देगा, लोगों के पास इसका फल जाएगा, ज़मीन भी जो है वो काबिले काश्त हो गई, ज़मीन का रेट भी बढ़ गया। तो यही मेरा मैसेज होता है हर वीडियो में कि अपने जो वसाइल हैं उनको बुरुए कार लाएँ, जो चीज़ें, जो ज़मीनें आपके पास पड़ी हुई हैं, बंजर या बंजर नहीं कहना चाहिए, बंजर नहीं होती, सिर्फ काबिले काश लाई नहीं गई होती, अगर कोई मेहनत करे तो बहुत कुछ हो सकता है। जी दोस्तों, ये एक और बाग में हम खड़े हैं, यहाँ भी देखें उसी तरीके से, आपको मेरे पीछे, आपको वो ऊपर मेरे पीछे एक टिब्बा नज़र आ रहा होगा, यानी कि टिब्बा कहते हैं रेत की पहाड़ी को। ऊपर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, यही सिट्रस का बाग है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये पूरा आपको बैक साइड पे उसी तरीके से रेतले रकबे में, थल के रकबे में पूरा बाग नज़र आ रहा है। थल का जो रकबा है वो आबाद हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप, मैं आपको प्लांट्स की तरफ करके दिखाता हूँ। ये देखें, अभी यहाँ पे आप माशाल्लाह प्लांट्स की हेल्थ देखें, ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, वही रेत, थल की रेत और उसके अंदर हरा भरा बाग सिट्रस का, वो देखें आप, आपको ऊपर तक लाइनें जाती हुई नज़र आ रही हैं बाग की, इसी तरीके से ये देखें। ये देखें, तो बात वही है कि इस तरह के कई टिब्बे और भी पड़े होंगे थल में, चोलिस्तान में, और कई गैर आबाद रकबे होंगे, लेकिन सलाम है ऐसे स्टेप लेने वाले और कदम बढ़ाने वाले जिम्मेदारों को जो स्टेप ले रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं और अपने रकबों को आबाद कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी अपनी कम्युनिटी की बल्कि अपने मुल्क की फलाह में भी किरदार अदा कर रहे हैं। ये देखें,
आपको यहाँ पे ये जो पौधे नज़र आ रहे हैं ये भी 2 साल से ऊपर का बाग है। अगर आप खुले पानी पे यही बाग लगाएं तो आप सोच सकते हैं कि इस रेत में, ये जो रेत है, ये जो रेत है, इस रेत में आपको कितना पानी लगाना पड़ेगा। और पानी लगाने का मतलब ये है कितने पैसे डीजल की मद में या बिजली की मद में देने पड़ेंगे, या इवन कि अगर आप सोलर भी लगाते हैं तो आपको 6 इंच की डिलीवरी में के लिए जो 6 या 8 की जो लगाई जाती है नॉर्मली, उसमें कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। तो यहाँ पे देखें ड्रिप सिस्टम के ज़रिए, उसमें आप सोलर में पानी तो दे लेंगे लेकिन खाद नहीं दे सकते। तो ड्रिप सिस्टम का फ़ायदा ये है, ये देखें यहाँ पे लूप सिस्टम लगा हुआ है बबलर के साथ, वहाँ पे आपको ड्रिपर वाला नज़र आ रहा था। हर कोई भी सिस्टम है, आप ये देखें कि कितनी खूबसूरती के साथ ये इसने इस स्थल के रकबे को आबाद किया हुआ है। तो अभी ये 2 साल के प्लांट्स हैं, इंशाल्लाह जब ये फ्रूटिंग पे आएंगे तो आपको तब भी दिखाऊंगा। तो बार बार मैं दिखाता हूँ और इसका मकसद यही होता है, ये देखें आपको वहाँ पे सेंट्रल पिवट भी चलती हुई नज़र आ रही है गंदम के ऊपर, वो मैं अलग वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो ये है बेसिकली, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से जो थल है वो आबाद हो रहा है। जी दोस्तों, तो वीडियो को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं इसी मैसेज के साथ कि जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं जिनके पास रकबे हैं लेकिन वो उनको आबाद नहीं कर रहे थल में, पता नहीं कितना जो है वो 90% 90% जो रकबा है वो गैर आबाद पड़ा हुआ है, तो उसको आबाद करें, इन्वेस्ट करें, मॉडर्न सिस्टम पर जाएं जिसके ज़रिए आपका खाद की भी बचत होगी, पानी की भी बचत होगी और जो रकबे हैं वो आबाद होंगे और मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। हमारा काम है आप तक मैसेज पहुंचाना, जिनके पास रिसोर्सेज जिनको अल्लाह ताला ने दिए हैं उनका काम है कि वो कदम बढ़ाएं और एक्शन लें। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें मेरे पीछे आपको कितने खूबसूरत बाग की टोपोग्राफी नज़र आ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करें, कोलीग्स को शेयर करें, और आप ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं थल चोलिस्तान में, ऐसे कई बाग आपको मिलेंगे, कामयाबी देख सकते हैं ज़िम्मेदारों आपके, आप ही के ज़िम्मेदार भाइयों की। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।